हाय शीतल, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। वी कैन स्टार्ट द सेशन आफ्टर टू लेट्स वेट फॉर 2 मोर मिनट्स, देन वी कैन स्टार्ट द सेशन। यस यस यू डेफिनेटली। डायरेक्टली स्टार्ट द सेशन आफ्टर 2 मिनट्स? ओके, ओवर टू यू। थैंक यू। Good morning, everyone. Thank you, NBT रंगमंच क्लब, जो आज हमें इनवाइट किया है। हम लोगों का ये 5th वेबिनार है रंगमंच के साथ, और काफ़ी सारे लोगों ने इसका फ़ायदा लिया है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने स्टॉक मार्केट के क्लासेस और काफ़ी सारा नॉलेज यहाँ पे लिया है। सो वंस अगेन NBT ग्रुप, थैंक यू सो मच कि आप बार बार इन्वाइट करते हो और लोगों को आप गाइड करते हो कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो चलिए, काफ़ी सारे लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, तब तक मैं कुछ सवाल आप लोगों से पूछती हूँ। जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड हैं, आप लोग मुझे मैसेज बॉक्स में बता सकते हो, क्योंकि NBT ग्रुप अलाउड नहीं करेगा हमें अभी के लिए बात करने के लिए। हम लोग आफ्टर 15 मिनट लास्ट के जो रह गए उसमें मैं डेफिनेटली आपका डाउट सेशन लूंगी, जो भी डाउट्स हैं। आपको बस मैसेज बॉक्स में मुझे इतना बताना है कि आज का जो वेबिनार है वो आप लोग क्यों ज्वाइन कर रहे हो, मतलब व्हाट इज द पर्पस। सिर्फ पैसे कमाना, नॉलेज लेना, और आप लोगों को कितना नॉलेज है, इन 3 सवालों के आंसर आप फटाफट मुझे मैसेज बॉक्स में दे दो। तब तक मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ, आपके मैसेजेस भी मैं साइड बाई साइड पढ़ने वाली हूँ। तो आप लोगों को कितना नॉलेज है, आप लोग आज का सेमिनार वेबिनार क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो ये 2 सवालों के फटाफट आप लोग मुझे टाइप बॉक्स में, मैसेज बॉक्स में आंसर कर सकते हो। मैं शीतल बाकरे स्टॉक ब्रोकर भी हूँ, परफेक्ट स्टॉक ट्रेनर भी हूँ। लास्ट 17 to 20 ईयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है। मेरी पूरी फैमिली स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व है, और फैमिली से इंस्पायर होके मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा। बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था फॉर द लेडीज ओनली, कि काफ़ी नॉलेज कम था, तो मैंने यहाँ पे शुरू कर दिए थे छोटी लेवल पे अपने स्टॉक मार्केट के क्लासेस। जैसे मैंने स्टॉक मार्केट के क्लासेस शुरू किए, उसमें काफ़ी अच्छा मुझे रिस्पॉन्स आने लगा। वो छोटा ऐड होता है ना, उस वाले ऐड से मैंने शुरू किया था ऐसे ही घर बैठे बैठे, और उससे मुझे काफ़ी सारा रिस्पॉन्स आया। उसके बाद मैं ब्रोकर बनी हूँ, और काफ़ी सारे अवार्ड्स मुझे मिले हैं फॉर द बेस्ट स्टॉक ट्रेनर के लिए। एंड आज मैं ऑलरेडी आप लोगों को सिखाने वाली हूँ कि स्टॉक मार्केट में कैसे काम करना है, हाउ टू इन्वेस्ट, और किस तरीके से हमें 0 लॉस स्ट्रेटेजी में काम करना है। कि सबसे बड़ा डर जो हमारा होता है वो सिर्फ और सिर्फ होता है यहाँ पे लॉस का। तो थोड़ी देर के लिए, जितने भी टाइम हम लोग साथ में है ना, तब तक के लिए हम लोग डेफिनेटली निकाल देंगे लॉस का जो वर्ड है ना, वो थोड़ी देर के लिए हम लोग बाजू में रख दें। उसके बाद में अगर आपको लगे, पूरा वेबिनार सुनने के बाद में आपको लगा, तो हम लोग डेफिनेटली उसे एड ऑन करेंगे। अभी के लिए फॉर द 1 आवर उसे हम लोग बाजू में रख देते हैं। सो NBT ग्रुप और मैंने मिलकर सोचा कि क्यों ना हम लोग आपको इतना अच्छा नॉलेज दे कि आप लोग जब भी स्टॉक मार्केट में आए, फियर छोड़ के, मतलब कॉन्फिडेंस है। देखिए, डरना भी उतना ही जरूरी होता है, जब तक आप डरोगे नहीं तब तक आप पैसे नहीं कमाओगे, ये फैक्ट है। रिस्क है स्टॉक मार्केट में, पहले मैं आपको डरा नहीं रही हूँ डेफिनेटली, बट हाँ, रिस्क है स्टॉक मार्केट में, बट उस रिस्क को कैसे मैनेज करना है ये बहुत जरूरी होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, हाय एवरीवन, ओके 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 ठीक है, डन। सो यहाँ पे काफी सारे लोग, मुझे लग रहा है कि नॉलेज काफी अच्छा है, तो किस तरीके से ट्रेड करते हो और आपका एक्सपीरियंस कैसा स्टॉक में, वो भी फटाफट मैसेज कर दीजिए कि आप लोगों को एक्सपीरियंस कैसे है स्टॉक मार्केट में। हेलो एवरीवन,
सो आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसे है? दोनों पैर आपके है या फिर एक ही पैर आपने नापा है अभी तक कि कितना गहरा है स्टॉक मार्केट का कुआ? या दोनों पैर नाप के देख लिया है और डर के अभी आज वेबिनार ज्वाइन कर रहे हैं? अच्छा चलिए बताइए, कितने लोगों ने आज डर के मारे वेबिनार ज्वाइन किया है? ओके फ्रेशर्स, हाय स्नेहल मैम, ओके ओके बिगिनर्स मतलब ओके डन। सो मोस्टली जितने भी लोगों ने मैसेजेस किए हैं वो सारे फ्रेशर्स ही दिख रहे हैं, मतलब आज की बैच पूरी फ्रेशर्स के लिए। सो दैट इज गुड फॉर मी कि मैं जो भी बताऊंगी वो आप सुन लोगे। चलिए एक मिनट दीजिए, हम लोग ज्वाइन करते हैं। एंड एवरीवन विजिबल, जो स्लाइड हम लोग अभी शेयर कर रहे हैं वो सभी लोग आई थिंक से विजिबल कर रहे होंगे। थैंक यू। कितने लोगों ने स्टॉक मार्केट की जो वेब सीरीज है हर्षद मेहता की वो देख लिया है? और अगर नहीं देखा है ना तो डेफिनेटली आप लोग देखिए, ये हफ्ता पूरा आप स्टॉक मार्केट की जो हर्षद मेहता की सीरीज है ना वो देखिए। देखिए वहां पे लॉस हुआ है, उन्होंने फ्रॉड किया है, व्हाटएवर जो भी आपके मेथ्स है, पहले जो 4 से 5 एपिसोड है ना उसमें उन्होंने पहले एपिसोड में ही बताया है कि शेयर मार्केट इतना गहरा कुआ है, और मेरे लैंग्वेज में अगर मैं उसे बोलूं कि जुआ नहीं है जो पूरे देश की प्यास बुझा सकता है। देखिए पूरे देश की प्यास बुझाने के इतना बड़ा कुआ शेयर मार्केट है, जहां पे डेफिनेटली हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी लेके बाहर निकल सकते फिर भी पानी बचेगा, ये उन्होंने उस एपिसोड में कहा था। एंड दैट्स ट्रू, लास्ट 20 ईयर्स से अगर आप मुझे पूछोगे तो यस, ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, सबकी प्यास बुझाता है। बट यस डिपेंड करता है कि आपकी प्यास कितनी है। अगर आप बोलोगे नहीं मुझे और चाहिए तो यस डेफिनेटली आपको अटकने के ब्राइट चांसेस हो जाते हैं। तो यस शेयर मार्केट इतना गहरा कुआ है, अगेन मैं बोल रही हूँ कि इसे डेफिनेटली आप लॉस के तरीके से हम लोग नहीं लेंगे, या हम लोग आज फीवरली बात करेंगे कि सेफ जोन में कैसे होना चाहिए। इसके पहले के सारे वेबिनार्स थे जो हमने दिए थे कि डीमैट अकाउंट कैसे खोलना चाहिए, उसके बाद में हमने बोला था कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए कौन से तरीके जरूरी है। आज भी हम लोग डेफिनेटली उसके बारे में बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में डीमैट अकाउंट कितना जरूरी है, स्टॉक ब्रोकर कितना जरूरी है। अगर स्टॉक ब्रोकर नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर ही नहीं सकते हो, तो वो कैसे करना है, ये सारी चीजों का नॉलेज हम लोग स्टेप बाय स्टेप लेंगे। पहले एक कॉन्फिडेंस डेवलप करना बहुत जरूरी होता है कि जब आप स्टॉक मार्केट में आते हो तो मुझे मिलेगा क्या। अब यहाँ पे आज स्पेशली फॉर द वुमेन्स ये वेबिनार है, तो वुमेन्स आज मुझे आप बताओ कि आप लोगों के पास गोल्ड कितना है, एक टेंटेटिव गोल्ड कितना है आप लोगों के पास, और उससे आपको कितना बेनिफिट होता है, एक आइडिया आप लोग मुझे दे सकते हो कि आप लोगों के पास कितना गोल्ड है और वो आपको कितना रिटर्न देता है।
हम लोगों का बहुत पुराने जमाने से है कि गोल्ड हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, डेफिनेटली गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए, और यस हम सबके लिए बहुत जरूरी होता है, स्पेशली फॉर द गर्ल्स, स्पेशली फॉर द वुमेन्स। गोल्ड हम लोग पहन ही लेते हैं, मतलब लाइक गोल्ड नहीं है तो डेफिनेटली हमारा दिन भी नहीं बनता है। तो थोड़ा छोटा मोटा क्यों ना हो, हर एक के पास गोल्ड होता है। बट जो गोल्ड होता है उसका रिटर्न आपने कभी काउंट किया है? बहुत बार सेमिनार में, अपने वेबिनार्स में आपने सुना होगा कि गोल्ड आपको क्या रिटर्न देता है। तो मैं आज आपको बताऊंगी गोल्ड के साथ, एफडीज के साथ कैसे कैसे हमें रिटर्न्स मिलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेविंग अकाउंट में आपको 2 to 3% रिटर्न मिलते हैं, जो 24 ईयर में आपका पैसा डबल करते हैं। करंट अकाउंट में आपको कुछ नहीं मिलता है। इसके बाद में अगर आप देखोगे शेयर मार्केट 18 to 20% पर ईयर रिटर्न देता है, तो आपका जो पैसा है, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, देखिए मैं बार बार एक ही चीज की बात कर रही हूँ, जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो वो 4 साल में आपको अप्रोक्सीमेटली, अब कौन से स्टॉक आपको उस पैसे डबल करके देने वाले हैं वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपसे बात करने वाली हूँ, बट अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो 4 साल में आपका पैसा डबल हो सकता है, अगर सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करते हो तो। यस आज मैं आपको बताने वाली हूँ वॉरेन बफे जी कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। जो भी बड़े बड़े दिग्गज है, यहाँ पे हर्षद मेहता हमने एक नाम लिया, बट हम लोगों ने दिग्गजों के नाम नहीं लिए, वॉरेन बफे, राकेश झुनझुनवाला, राधा कृष्णम दमानी, ये सारे लोग क्या स्ट्रैटेजी यूज करते हैं और किस तरीके से पैसे कमाते हैं ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो शेयर मार्केट जो है वो आपको 4 साल में पैसे डबल करके दे सकता है। फिक्स डिपॉजिट 5 to 7% आपको ईयरली रिटर्न देता है, तो आपका पैसा डबल होने के लिए एटलीस्ट 14 ईयर लगते हैं, एटलीस्ट 14 ईयर लगते हैं। डेट फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो 5% आपको मिलता है, तो 14 ईयर रहेगा। अब आता है रियल इस्टेट, काफी बार होता है कि मैं भी आपको समझाती हूँ कि तीन तरीके से इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, एक गोल्ड में कर लीजिए, एक रियल इस्टेट में कर लीजिए और फिर स्टॉक मार्केट में कर लीजिए। आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करना है वो तीन तरीके से आपको डिवाइड करना होता है, बट हाँ जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है रियल इस्टेट में अभी तक थोड़ा सा ही क्यों ना हो निगेटिव रिटर्न्स मैंने देखा है। गोल्ड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो 9 to 10% आपको रिटर्न मिल जाता है, जितना भी हमने पिछले कई सालों में देखा। तो गोल्ड में भी रिटर्न आपको डबल होने के लिए, आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो डबल होने के लिए 8 साल डेफिनेटली आपको लग सकते हैं। बट हाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि स्टॉक मार्केट के साथ मैं भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करती हूँ, आई लव टू वेयर ज्वेलरीज। तो अब आते हैं कितने लोगों के पास डीमैट अकाउंट ऑलरेडी है। आप लोग एक एक करके मुझे बता सकते हो, चैट बॉक्स में मैसेज आप मुझे करिए कि आप लोगों के पास कितने लोगों के पास डीमैट अकाउंट है, जिसे हम लोग बोलते हैं डीमटेरियलाइज अकाउंट। ओके फाइन ओके ठीक, मतलब ऑलमोस्ट 70% लोगों के पास डीमैट अकाउंट है। डीमैट अकाउंट एक ऐसी ऐसा अकाउंट है जैसे बैंक अकाउंट है, आप आपके पैसे सेव करके रखते हो बैंक अकाउंट में, तो डीमैट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जहां पे आपके शेयर सेफ रहेंगे। जो भी ट्रांजेक्शन आपको स्टॉक मार्केट में करना है वो आपको करना पड़ेगा डीमैट के थ्रू। सो डीमैट अकाउंट बहुत जरूरी होता है जब आप स्टॉक मार्केट में एंटर करना चाहते हो, मतलब अगर आज आपने फर्स्ट स्टेप लिया है तो पहले जरूरी होगा डीमैट अकाउंट। जब आप डीमैट अकाउंट की कोशिश करते हो खोलने की, जब आप डीमैट अकाउंट खोलने की कोशिश करते हो तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया आप लोगों को कि आई एम अ ब्रोकर, तो मैं ब्रोकर हूँ। ब्रोकर का मतलब क्या हो गया कि आपके जो भी ट्रांजेक्शंस है वो आपको मेरे थ्रू, मतलब एज अ ब्रोकर, जैसे अभी काफी सारे लोगों ने यहाँ पे लिखा
Zerodha, Angel Broking, Motilal Oswal, then Edelweiss, ये सारे क्या हो गए, मेन ब्रोकर हो गए. अब बहुत जरूरी होता है, जब मैं अपने क्लासेस लेती हूँ तो मैं अपने क्लासेस में आप लोगों को डेफिनेटली बताती हूँ कि ब्रोकर की बात मत मानिए, ठीक है. अब जो भी ऑलरेडी ट्रेड करते हैं उन्हें एक्सपीरियंस होगा. एज अ ब्रोकर मुझे ये बताना नहीं चाहिए, बट मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि हम लोगों को जब आप ट्रेड करते हो तो ब्रोकरेज मिलता है, और काफी सारे वेज में आपके सामने रखती हूँ, क्योंकि मुझे 2% 1% वहां से आपका ब्रोकरेज मिलेगा. तो आपको एक्टिवेट रखना मेरा काम होता है. तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि खुद का डिसीजंस लेना जरूरी होता है. मेरे क्लासेस में मैं हमेशा यही करती हूँ कि आपको इंडिपेंडेंट कैसे बनाना है. जैसे ही आप इंडिपेंडेंट बनोगे, डेफिनेटली आप पैसे कमाना शुरू कर दोगे. ब्रोकर जरूरी होता है, ब्रोकर के साथ रिलेशंस भी जरूरी होते हैं, तभी तो आपको लिवरेज, मार्जिन और लिमिट्स मिल जाती है. यस डेफिनेटली. बट यहाँ पे वो फंडा डेफिनेटली मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सुनो सबकी और करो खुद की. तो यस, ब्रोकर की बात आप मान लीजिए, सुन लीजिए, बट जो भी ट्रेड करना है वो खुद सोच समझ के करना बहुत जरूरी होगा. अब आते हैं म्यूचुअल फंड, इक्विटी, आईपीओ, डे इंट्राडे एंड फ्यूचर ऑप्शंस. इतनी ही चीजें हैं. टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, इक्विटी, डे इंट्राडे. मुझे काफी बार पूछा जाता है कि शीतल आप फॉरेक्स में ट्रेड नहीं करते हो. बाय द वे, एक अकाउंट जो मेरा हैक हुआ है इंस्टाग्राम का, वहां पे किसी ने वहां पे फॉरेक्स के ट्रेड डाले जहाँ पे शीतल को बहुत सारा पैसा मिला है, तो वो फेक है. @शीतल बाखरे ये मेरा नया आईडी है. तो मैं 17 साल से 20 साल से जो काम कर रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट में, क्योंकि देखिए इंडियन स्टॉक मार्केट पे हमें पता है कि कौन सी कंपनी अच्छी है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है. डॉलर्स रुपीज में डेफिनेटली हम लोग करेंगे, बट कब, जब हमें यहाँ पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब हम लोग वहां पे शिफ्ट होंगे. तो म्यूचुअल फंड एक तरीका होता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का. अभी अभी किसी ने मुझे बताया कि SIPs में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, सो गुड. IPO, इक्विटी, डे इंट्राडे एंड फ्यूचर ऑप्शंस. अब अगर आप मुझे पूछोगे तो इसमें से कौन सा इन्वेस्टमेंट शीतल सेफ है, तो मैं पहले 3 पॉइंट्स आपको बताऊंगी, म्यूचुअल फंड, IPO एंड इक्विटी. अब आप मुझे पूछोगे डे इंट्राडे एंड फ्यूचर ऑप्शंस क्यों नहीं. डे इंट्राडे एंड फ्यूचर ऑप्शंस इसके लिए नहीं क्योंकि आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है वो बहुत जरूरी होती है. रिस्क लेने के लिए अगर आप रेडी हो, देखिए वहां पे कमजोर दिल वालों की जरूरत नहीं होती है, वहां पे स्ट्रांग हार्टेड लोगों की जरूरत होती है, तभी डे इंट्राडे और फ्यूचर ऑप्शंस की मैं सलाह देती हूँ. बट काफी सारे लोग मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि नए लोग हैं, तो अभी के लिए आप म्यूचुअल फंड, IPO और इक्विटी पे फोकस करिए, वो सबसे बेस्ट होगा. अब हम लोग आते हैं यहाँ पे डेफिनेटली कि डे इंट्राडे कैसे करना चाहिए, फ्यूचर्स ऑप्शंस कैसे करना चाहिए. अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे काफी सारे लोग नए हैं, फिर भी काफी सारे लोग ये सोच के आए कि शेयर मार्केट में दूसरे दिन पैसा डबल हो जाता है, तो ये मिथ्स हम लोग पहले निकाल देंगे, क्योंकि शेयर मार्केट ऐसी जगह है जहाँ पे आपको ईयरली मैक्स टू मैक्स 15-20% इंटरेस्ट रेट के साथ पैसे मिलेंगे. मतलब जो आप बैंक में इंटरेस्ट ले रहे हो उससे दुगना इंटरेस्ट आपको स्टॉक मार्केट देगा, इतना मेरा खुद का एक्सपीरियंस है. बट वो कैसे, किस तरीके से करना चाहिए, वो अभी हम लोग देखेंगे. तो ये हो गया म्यूचुअल फंड, आईपीओ, इक्विटी, डे ट्रेडिंग, फ्यूचर ऑप्शंस. अब आते हैं सेंसेक्स. देखिए मैंने जो आप लोगों को बोला कि स्टॉक मार्केट 4 साल में आपको पैसे डबल करके दे सकता है, कि दे सकता है, किस बेसिस पर मैं बोल रही हूँ कि दे सकता है, ठीक है, दे सकता है. अभी बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग, मतलब अगर आप मुझे पूछोगे तो 3.5% पूरी जो हमारी जनता है उसमें से 3.5, चलिए लॉकडाउन के बाद में अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो 5% लोग, इंडियन पीपल्स, हम लोग
मार्केट में आए हैं। अगर एफआईज का लॉन्ग फॉर्म भी मैं बताऊंगी आज आपको, फॉरेन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर्स अगर आप देखोगे तो 70% हमारे पास इन्वेस्टमेंट करते हैं। 70% इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया, आप समझ रहे हो? इंडियन कंपनीज में बाहर के कंट्रीज के लोग 70% इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ हमें एक डर सा लगा है। तो मैं आपको आज बताऊंगी कि हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए स्टॉक मार्केट में। मेन दो चीजें होती है स्टॉक मार्केट में, दो एक्सचेंजेस मेन है, काफी सारे एक्सचेंजेस है बट अभी के लिए हम लोग दो एक्सचेंजेस की बात करेंगे। वन इज द सेंसेक्स एंड अनदर वन इज द निफ्टी, मतलब BSE एंड NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। मेन है सेंसेक्स, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2011 में था 19,000, 2011 में था 19,000 और ये 2023 में हुआ है 60,000। तो ये इतना फर्क पड़ा है लास्ट 12 इयर्स में, तो आप देख सकते हो कितना परसेंट रिटर्न स्टॉक मार्केट दे सकता है, दे रहा है। काफी सारे अप्स एंड डाउन्स आए, मैं नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अपग्रेडेड दिखा है, काफी सारे अप्स एंड डाउन्स हमने देखे हैं। तो यस, 2011 में 19,000, वही 2023 में ये गया 60,000 के नियर अबाउट हम लोग देख रहे हैं। अभी थोड़ी उथल पुथल डेफिनेटली मार्केट में हमें दिख रही है। कितने लोग मार्केट में आना चाहते हैं अभी के लिए, इतना सारा आपने जो मेरी बातें सुनी है उससे आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग मार्केट में आना चाहते हो, डीमैट अकाउंट आपका खुल गया, आपको इन्वेस्टमेंट के तरीके भी मैंने बता दिए कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, IPO में इन्वेस्ट कर सकते हो, इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, डे इंट्राडे और फ्यूचर ऑप्शंस में भी आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आप लोग मुझे बताइए अभी कि यहाँ पे कितने लोग आना चाहते हो मेरी बातें सुन के, फटाफट मैसेज बॉक्स में आप मैसेज करोगे तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आगे बढ़ू। ओके, इतना फटाफट आंसर्स आ रहे हैं, गुड, मतलब समझ में आ रहा है। अब जब आपने ठान ही लिया है स्टॉक मार्केट में एंटर करने का, तो चलिए अब जब आपने स्टॉक मार्केट में एंटर करने का ठान ही लिया है, यस, तब तीन चीजें बहुत जरूरी होती है। अगर आपने डिसाइड ही कर लिया है कि आपको स्टॉक मार्केट में आना है तो तीन चीजें यहाँ पे जरूरी होगी। रिस्क एपेटाइट, अगेन मैं हर्षद मेहता की एक लाइन यूज करूंगी यहाँ पे कि जोखिम नहीं तो पैसा नहीं। थोड़ी बहुत जोखिम हम लोगों को डेफिनेटली लेनी पड़ती है, कि रिस्क हर बिजनेस में होती है, कोई भी बिजनेस आप कर लो, आप चाय का ठेला भी लगाने का सोचो या 5-star होटल भी डालने का सोचो, तो हर जगह पे हमें रिस्क एपेटाइट बहुत जरूरी होता है। वो रिस्क एपेटाइट आपको पहले डिसाइड करना होगा। डीमैट अकाउंट खोलना बहुत सिंपल है, आप ज़ीरोधा के साइट पे चले जाओ, ऑनलाइन आपका अकाउंट खुलता है, आप ऐप स्टॉक पे चले जाओ, ऑनलाइन आपका अकाउंट खुलता है। काफी सारे ब्रोकर्स ने अभी डे बाय डे इजी हो गया स्टॉक मार्केट के लिए हर चीज डे बाय डे। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसके अंडर स्टॉक मार्केट काम करता है, उन्होंने डे बाय डे काफी सारी चीजें इजी कर दी है। तो आपको पहले डिसाइड करना है, ये सारी चीजें आपको इजीली मिल जाएगी। अच्छा ब्रोकर चाहिए तो मेरा तो हमेशा होता है कि ब्रांड के साथ जाइए, जिसका बहुत सालों से ब्रोकिंग फर्म है और उनका नॉलेज भी अच्छा है और वो आपको सर्विस भी अच्छे दे रहे हैं, जैसे कि एंजल ब्रोकिंग हो गया, उसके बाद में एडलवाइज हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, आई एम द ब्रोकर ऑफ चॉइस ब्रोकिंग फर्म। तो यस, डेफिनेटली आपको आपका रिस्क एपेटाइट जो है वो डिसाइड करना पड़ेगा। सबसे जरूरी हो जाता है नॉलेज, मैं भरोसा करती हूँ नॉलेज पे। जैसे मैंने बोला कि मेरी पूरी फैमिली, ओवरऑल मेरी पूरी फैमिली स्टॉक मार्केट में है और उनके वजह से, मतलब थैंक्स टू फैमिली कि मैं उनके वजह से आज स्टॉक मार्केट में आई हूँ, क्योंकि काफी सारे लोगों का मैं ट्रस्ट देखती थी। जब भी ये लोग खाने पे बैठते थे तो इनके कभी कभी बहुत अच्छे मूड रहते थे, कभी कभी बहुत खराब मूड रहते थे,
तो समझ में नहीं आता था क्या चल रहा है। 2002 में हमारे घर में स्टॉक मार्केट आया था, काफी सारे बातें होती थी, अरे आज रिलायंस गिर गया, मेरे पास 6 लॉट है, रिलायंस कैपिटल का क्या घर है, वो 10 लॉट है, तो चल क्या रहा है। तो ये सारी बातें मैं आपको भी बोल रही हूँ, विमेंस मैं आपको भी एक हिंट दे रही हूँ कि हस्बैंड की जो बातें आप सुनते हो ना, उसमें आप फाइनेंस की बातें थोड़ा ज्यादा फोकसफुली सुनिए। और हाँ, डेफिनेटली सीरियल्स के बजाय आप अगर जी न्यूज, मनी कंट्रोल, CNBC चैनल देखना शुरू करोगे तो आपको भी आइडिया आएगा, एटलीस्ट हमें अवेयरनेस आएगा कि रिस्क कितनी होती है स्टॉक मार्केट में और नॉलेज कितना जरूरी होता है। रिस्क ले लिया, रिस्क लेने की कैपेसिटी मेरी है, नॉलेज मेरे पास है, अब मेरे पास क्या चाहिए, तो कॉन्फिडेंस चाहिए। अब हमेशा मैं सबको एक ही चीज बोलती हूँ कि एक्स्ट्रा मनी की चाहत होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस आता है तो डेफिनेटली एक्स्ट्रा मनी की चाहत अपने आप आ ही जाती है। अब एक्स्ट्रा मनी क्यों जरूरी है और वो आपको स्टॉक मार्केट कैसे दे सकता है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट कितना जरूरी है। बहुत बार जब क्लासेस की इंक्वायरी आती है तो मुझे पूछा जाता है कि शीतल, अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करें तो कितना कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। अगर मैं बताऊँ, यहाँ पे जितने भी लोग ऑलरेडी ट्रेड कर चुके हैं या करना चाहते हैं, अगर आप 20-25,000 लेके स्टॉक मार्केट में आना चाहते हो तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करिए, रिस्क मत लीजिए। एटलीस्ट अबाउ 50,000, 1 लाख रुपीज आपके पास है तो आप रिस्क लेना शुरू कर दीजिए विद द नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस। 20-25,000 वाले अगर रिस्क ले रहे तो डेफिनेटली ब्राइट चांसेस है अटकने के। तो एक्स्ट्रा मनी अगर आपको चाहिए, मैंने अभी अभी एक इंटरव्यू सुना था, अच्छा लगा मुझे, कि हस्बैंड ही क्यों लाइट बिल भरे, हस्बैंड ही क्यों फोन बिल भरे, हस्बैंड ही क्यों EMIs के पैसे भरे, क्यों ना हम वो ठान ले कि इस बार घर का जो EMI है, इस बार SIPs की जो EMIs है, जो किस्त है, वो हम लोग क्यों ना दे। तो ये क्या हेल्प करेगा आपको, ये डेफिनेटली अबाउ 50,000-1 लाख रुपीज अगर आप प्रॉपर वे रिस्क लेने के हिसाब से मार्केट में आते हो तो यस डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा हस्बैंड के लिए एक EMI देने के लिए, लाइट बिल भरने के लिए, फोन बिल भरने के लिए, बच्चों की फीस भरने के लिए। टचवुड, काफी सारे इंटरव्यूज आपने मेरे देखे होंगे, काफी सारे रेडियोज, यूट्यूब चैनल पे आप जाके देख सकते हो, मैं मुझे स्टॉक मार्केट में इतना कुछ दिया है कि मैंने अपने बच्चों का एजुकेशन लोन फ्री किया है। तो लोन फ्री पे मैं बहुत ज्यादा भरोसा करती हूँ, क्योंकि लोन फ्री कंपनी के भी बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यस, रिस्क एपेटाइट, उसके बाद में नॉलेज, कॉन्फिडेंस फॉर द एक्स्ट्रा मनी की चाहत। चलिए, सबसे फेवरेट टॉपिक है मेरा ये कि फ्री टिप्स कितने लोग लेते हैं, जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं वो लोग आज मुझे एकदम रैंडमली बता सकते हो कि फ्री टिप्स कितने लोग लेते हो और फ्री टिप्स का फायदा कितने लोगों को हुआ है। आज अगर काफी सारे मेरे स्टूडेंट्स होंगे तो मैं मेरे स्टूडेंट के साथ मेरी जो स्टडी है वो शेयर करती हूँ विद द स्टॉप लॉस, वो लेते हैं डेफिनेटली, वो भी हाँ बोलेंगे, बट यस, फ्री टिप्स कितने लोग लेते हैं और कितना फायदा होता है। ओके, 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 यस डेफिनेटली, जैसे मैंने बोला कि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं उनके साथ शेयर करूं तो मैं अपनी स्टडी शेयर करती हूँ एवरी वीक, मैं आप लोगों के साथ निफ्टी का लेवल शेयर करती हूँ, बट आप लोगों को पता है एज ऑलवेज विदाउट नॉलेज हम लोग कभी शेयर नहीं करते हैं। तो यस डेफिनेटली, अगर प्रॉपर चैनल के थ्रू जा रहे हो, बट वो जो फ्री टिप्स दे रहे हैं वो हमें समझ में भी आना चाहिए, वो बहुत जरूरी होता है। मैं इतना बोलती हूँ, अगर मैं भी आपको टिप्स दे दूं कि चलिए ये बाय कर लीजिए, यस डेफिनेटली विस्पुते सर, यहाँ पे क्या होता है ना, अगर आपको कोई टिप्स दे भी दे तो वो टिप्स आपको समझनी पड़ती है कि क्यों दी है, देने के पीछे का पर्पस क्या है, क्या वो बढ़ेगा, टेक्निकली स्ट्रांग है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो आप एंटर कर लीजिए विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। बट आपको
उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि ये टिप मैं लूँ या ना लूँ। अगर वो टिप आपके लिए कॉन्फिडेंट है और आप ले सकते हो तो यस डेफिनेटली, बट मेरे हिसाब से फ्री का टिप अवॉइड करना ही ज्यादा बेटर होता है। कभी नहीं लगता है हमें जैकपॉट, जब जैकपॉट कॉल बोला जाता है तो हमें कभी नहीं लगता है, मतलब एज पर 17 to 20 इयर्स एक्सपीरियंस मैं विदाउट स्ट्रेटजी कभी काम ही नहीं की हूँ, क्योंकि काफी सारे लोगों की हालत मैं आज भी देखती हूँ। जितने भी नए लोगों से मिलती हूँ तो मुझे एक ही चीज बोली जाती है कि अब क्या करे, ये हो गया है, अब ये हो गया है तो ये निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये भी बड़ा सवाल होता है क्योंकि अमाउंट्स काफी बड़ी होती है। बट हाँ, इतनी मेच्योरिटी देती हूँ कि अगर आप स्ट्रैटेजीज बना के जाओगे तो ये निकल भी सकता है, वो भी कम अमाउंट में, बट उसके लिए भी आपको स्ट्रैटेजीज, विदाउट स्ट्रैटेजीज मैंने आज तक कभी काम नहीं किया। अब मैं आपको बताऊंगी मेरे सीक्रेट्स, अब मैं आपको बताऊंगी काफी सारे, अगर आप मुझे पूछोगे कि काफी सारे लोगों से मैं मिलती हूँ, मैं एज अ ब्रोकर काफी सारे लोगों के यहाँ काम भी कर चुकी हूँ, कि एज अ डीलर मैं काम भी कर चुकी हूँ, मैं वहां पे जाके लोगों की साइकोलॉजी पढ़ती थी कि लोग कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं और क्यों करते हैं, और उनमें उनमें से उन्हें कितना फायदा होता है। तो 99% फायदा नहीं होता था, 1% जो नॉलेजेबल बंदा यस डेफिनेटली वो पैसे घर लेके जाता था। अब मैंने ब्रोकर हाउस खुद शुरू किया, अब मेरा अलग साइकोलॉजी मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि मार्केट में साइकोलॉजी बहुत ज्यादा वर्क करती है। अब कंपनी की बिजनेस साइकिल देख लो, आपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, आपने जब इन्वेस्टमेंट शुरू करना करना शुरू कर दिया, ये प्योरली फॉर द इन्वेस्टमेंट, क्यों कर रहे हो आप इन्वेस्टमेंट, ये बहुत जरूरी होता है। तो कंपनी की बिजनेस साइकिल हमें देखनी है। HDFC बैंक कितने लोगों को पता है, ब्रिटानिया के बिस्किट्स कितने लोगों के घर में आते हैं, आयुष मोटर। देखिए बहुत बार ऐसे होता है कि कोई नई कंपनी आ गई है स्टॉक मार्केट में और मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है, उसकी हिस्ट्री पता नहीं है मुझे कि वो कंपनी कर क्या रही थी इतने दिनों में, जितने भी स्टॉक मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आए तो क्या वो कंपनी सर्वाइव कर पाई या नहीं कर पाई, ये बहुत जरूरी होता है कि या वो सर्वाइव कर पाई या नहीं कर पाई, लॉकडाउन में सर्वाइव कर पाई या नहीं कर पाई, अभी तक वो मार्केट में बनी हुई है या नहीं बनी हुई है। तो यस डेफिनेटली जितनी पुरानी कंपनी उतना ट्रैक लेना इजी हो जाएगा आपको, ठीक है। आप भी कोई बिजनेस करते हो तो सोच समझ के करते हो कि कितने लोगों ने ये किया है, कितने लोगों को इसका बेनिफिट हुआ है, तभी जाके मैं इन्वेस्टमेंट करूंगी। तो यस ऐसी कंपनीज ये आज अगर आप समझ लोगे तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग होमवर्क कर सकते हो कि ऐसे, मैंने तो एग्जांपल के लिए आपको दिया है कि HDFC बैंक जो है वो 28 ईयर ओल्ड है, ब्रिटानिया 130 ईयर ओल्ड कंपनी है, आयुष मोटर 74 ईयर ओल्ड कंपनीज है। तो ये वाले कंपनीज में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेटली लॉस के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि ये अभी तक सस्टेन कर पाई है अप ट्रेंड पे भी और डाउन ट्रेंड में भी। तो यस डेफिनेटली ऐसी कंपनीज चूज करिए, एटलीस्ट उनका डाटा आपको 9 to 10 ईयर ओल्ड कंपनीज, अभी मैंने काफी पुरानी कंपनीज आप लोगों के साथ शेयर की है, बट अगर एटलीस्ट 9 to 11 ईयर्स ओल्ड कंपनी आप ले लेते हो तो पूरी हिस्ट्री आपको कंपनी की मिल जाएगी। मैं बहुत बार कोशिश करती हूँ कि कंपनी के फंडामेंटल्स कितने स्ट्रॉन्ग है, अगर फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है मतलब अगर कंपनी की नींव भी स्ट्रॉन्ग है तो आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हो। अब और एक चीज मैं देख लेती हूँ, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत जरूरी होता है, कितने लोगों को देश की GDP के बारे में पता है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होते हैं, कितने लोगों को पता है कि GDP भी बहुत मैटर करती है स्टॉक मार्केट में। अब आपने देख लिया GDP कम हो रहा है, GDP बढ़ रहा है, GDP बढ़ रहा है मतलब स्टॉक मार्केट के लिए गुड, GDP घट रहा है मतलब स्टॉक मार्केट के लिए नॉट गुड।
तो मेरा तरीका कुछ अलग है, मुझे बोला जाता है कि मैं कुछ अलग तरीके से सोचती हूँ, तो यस डेफिनेटली मैं कुछ अलग तरीके से सोच रही हूँ। जीडीपी मैटर करता है, बट वो स्टॉक मार्केट में कौन से स्टॉक पर मैटर करता है वो बहुत जरूरी है। ग्रोथ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ कंपनी, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसे जीडीपी बोलोगे, और मेरे लैंग्वेज में अगर स्टॉक मार्केट में मैं यूज करूँ तो जीसीसी, ग्रोथ ऑफ कंसिस्टेंसी इन कंपनी। तो अभी यहाँ पे देख लीजिए, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो जीडीपी, अब जीडीपी का मीनिंग क्या हो गया कि जीडीपी का मतलब होता है ओवरऑल हमारे देश में जो भी प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं उसका एक एवरेज रेट निकाला जाता है और डिमांड एंड सप्लाई का रेट निकाला जाता है और वो जीडीपी हमें बताया जाता है। तो यस डेफिनेटली अगर आप देखोगे जुबिलियंट फूड जो कंपनी है, जीडीपी 7% और कंपनी की ग्रोथ 17%, मतलब जीडीपी के काफी आगे ये कंपनी अपना काम कर रही है। ऐसे बहुत सारी कंपनीज आपको स्टॉक मार्केट में मिल जाएगी, तो डेफिनेटली अगर कंपनी आपको चॉइस करनी है तो ग्रॉस रेट के ऊपर, मतलब कंपनी का जीडीपी आपको देखना चाहिए और हमारे देश का जीडीपी देखना चाहिए, दोनों में कंपेयर करके फिर अगर आप चॉइस करते हो फॉर द इन्वेस्टमेंट, इट्स गुड। अब आते हैं सबसे बड़ी चीज कि कंपनी का फ्रॉड, कंपनी के फ्रॉड को कैसे समझो। अगेन देखिए, आई एम अ फैन ऑफ हर्षद मेहता सीरीज, तो वहां पे क्या हुआ था, पंप एंड डंप हुआ था। अब आई थिंक आज मैंने हर्षद मेहता के सीरीज का रेटिंग बढ़ा दिया है, बट यस डेफिनेटली जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं उन्होंने एक बार ये सीरीज देखनी चाहिए। यहाँ पे क्या किया गया था, पंप किया गया था एसीसी के स्टॉक को, जो 200 वाला स्टॉक 9000 पे गया था, जबकि कंपनी की कोई फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं था, टेक्निकल स्ट्रॉन्ग नहीं था, ना प्रमोटर्स थे, ना लॉन्जिविटीज थी, नथिंग कैन बी वहां पे था, बट फिर भी उसे 200 के भाव से 9000 तक लिया गया था, डिमांड बढ़ा दी गई थी और बस उसके बाद में उसे डंप कर दिया था और बुरी तरीके से काफी सारे लोगों को लॉस हुआ। तो ये आपको समझना चाहिए कि कंपनी क्यों बढ़ रही है, क्या रीजन है। तो आप लोग जब सीरीज देखोगे या आप हर्षद मेहता के टाइम पे एसीसी की हिस्ट्री देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगी कि पंप एंड डंप होता क्या है। देन जाते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस, कितने लोग अडानी में अटक चुके हैं, अभी लास्ट वीक अडानी में कितने लोग अटक चुके हैं, मैं बताऊंगी कि क्यों अटके हैं। कोई है यहाँ पे जो अडानी के स्टॉक्स में अटक गया है, अडानी विल्मर, अडानी पोर्ट, देखिए स्टॉक गिर क्यों रहा है, स्टॉक मार्केट में चल क्या रहा है, ये आपको न्यूज़पेपर, जैसे आप मुझे पूछोगे तो यस स्टॉक मार्केट के क्लासेस में मैं आपको काफी सारे न्यूज बताती हूँ, काफी सारे फंडामेंटल्स बताती हूँ, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए, 10 रुपए का न्यूज़पेपर आपको डेली 500-1000 रुपए कैसे दे सकता है, ये मैं आपको वहां पे सिखाती हूँ। तो वहीं पे मैंने देखा कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस होता क्या है, तो मेरे को तो आदत है कि मैं जाके छानबीन कर लेती हूँ। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस ये होता है कि फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स के ही, मतलब यहाँ पे वेंडर्स, जितने भी कंपनी के जो वेंडर्स है ना, वो सारे कंपनी के वेंडर्स फैमिली एंड फ्रेंड्स को बना दिया जाता है, फिर कंपनी से उनके पास पैसे चले जाते हैं और फिर वापस कंपनी उनसे पैसे ले लेती है, तो इसे बोलते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस। उस वजह से कंपनी फ्रॉड नहीं बोल सकते हैं बट गलत कर रही है, आने वाले दिनों में इस कंपनी से हमें धोखा हो सकता है, ये आपको रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन से पता चलेगा। देखिए मेरे पास बहुत कम टाइम है आप लोगों को ये सारी चीजें समझाने के लिए, मैं कोशिश कर रही हूँ जितना आपको सतर्क करूँ कि ये सारी चीजों से दूर रहे, ये मेरा आज के वेबिनार का मैंने ठान लिया था, क्योंकि मुझे पता है आप सबको स्टॉक मार्केट के बारे में पता है, आप सबको स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने, बट वो पैसे सेफ वे से कैसे कमाने ये मैं आज आपको सिखा रही हूँ। अब मेरा फंडा है, मेरा ताबीज, मेरा
पॉकेट किट आपको डेबिट फ्री बनाने की कोशिश करता है। डेबिट फ्री बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? अब डेबिट फ्री कंपनी भी आपको वैसी चॉइस करनी पड़ेगी जो डेबिट फ्री है। खुद को डेबिट फ्री करना चाहते हो ना, खुद को आपको कर्ज से आपको कम करना चाहता है चाहते हो आप, तो यस डेफिनेटली अगर खुद को कम करना चाहते हो, खुद का डेबिट आप कम करना चाहते हो खुद को। मैंने अभी अभी रिसेंटली एक वीडियो सुना था कि खर्चे को कम कर सकते कर्जे को नहीं कम कर सकते, बट मैं यहाँ पे बताऊंगी आपको कि खर्चे को भी हम लोग कम करेंगे। खर्चे क्यों कम करें, हम लोग कर्जे को कम कर सकते हैं वो भी स्टॉक मार्केट के हेल्प से। पॉकेट किट एंड ताबीज न्यूमरोलॉजी आपको हेल्प करती है, बट स्टॉक मार्केट वन ऑफ द एक वे है जहां पे आपका लोन का एक ईएमआई आराम से निकल सकता है। अब उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए मेरे पास अगेन एक स्ट्रैटेजी है। अगर डेबिट फ्री वाली कंपनीज अगर हम लोग चॉइस कर ले तो सिंपल फंडा है, लाइफ का ही सिंपल फंडा है, लोन प्लस इंटरेस्ट मतलब ट्रस्ट हो गया, नो लोन नो इंटरेस्ट तो प्रॉफिट हो गया। ये सेम लाइन आप आपके लाइफस्टाइल में भी इंक्लूड कर सकते हो, जो मैंने इंक्लूड कर लिया है, लोन प्लस इंटरेस्ट ट्रस्ट हो गया, नो लोन नो इंटरेस्ट प्रॉफिट हो गया। अब मेरा सिंपल फंडा है कि कर्जे में खुद भी ना डूबे और कर्जे में डूबी कंपनी को भी इन्वेस्टमेंट ना करे। अब आप मुझे बताओगे कि कौन सी ऐसी कंपनीज है जिसमें डेबिट है और डेबिट फ्री कंपनीज है। आप हिस्ट्री अगर जाके चेक करोगे तो भूषण स्टील, लैंको इंफ्रा, अलोक इंडस्ट्रीज, ये कंपनी डूबने की कतार पे है। 44 करोड़, 37 करोड़, 50 करोड़, ऐसे इनके पास लोन्स हैं। देखिए लोन है, आई एग्री कि बिजनेस एक्सपांड करने के लिए हमें लोन लेने पड़ते हैं, बट उस लोन लेने के बाद आपके पास वर्किंग कैपिटल कितना है, आप कंपनी को एम्प्लॉयज कैपिटल कितना है, आपका प्रमोटर कौन है, ये आपके पास कंपनी के होल्डिंग कितने हैं, ये बहुत जरूरी होता है। और जितना ज्यादा डेबिट उतनी सारी कंपनी से दूर रहने की मैं सलाह देती हूँ। वो कंपनी कितनी भी अच्छी हो बट वो कितने दिनों में अपना लोन रीपे करने वाली है ये भी कंपनी को बताना पड़ता है। जिसे बोला जाता है मनी कंट्रोल, मतलब मनी कंट्रोल ये ऐसी जगह है जो स्टॉक मार्केट वालों के लिए एक मक्का मदीना है, जहां पे आपको 0 पैसों में बहुत सारा नॉलेज मिल जाता है। तो यस डेफिनेटली अलोक इंडस्ट्री, भूषण स्टील, ये तो मैंने एग्जांपल के लिए दिए हैं, ऐसी काफी सारी कंपनीज आपको मिल जाएगी। अब डेबिट फ्री कंपनीज, जैसे लॉकडाउन में हमने सबने सुना था कि रिलायंस ने खुद को डेबिट फ्री कर लिया। डेबिट फ्री से क्या हो गया, उनका इंटरेस्ट रेट बच गया, तो वो कॉन्सेंट्रेट क्या कर सकते हैं, अपना प्रोडक्शन बनाने में बढ़ाने में। तो क्योंकि इन्हें बैंक को इंटरेस्ट तो देना नहीं है, इनको बस अपना फोकस करना है। तो जैसे TCS, डेविज लैब, वर्लपूल, ये जो कंपनीज है, ऐसी काफी सारी कंपनीज अगर आपको चाहिए तो आप लोग मनी कंट्रोल पे भी ढूंढ सकते हो, गूगल कर सकते हो, nseindia.com, bseindia.com, investors.com, ये सारी जो ऑनलाइन फ्री साइट्स है ना, ये आपको इजीली अवेलेबल करके देंगे। तो डन गाइस, आज ही पूरा नॉलेज लीजिए और फाइनेंशियल फ्रीडम बाय ये शीतल बाकरे के साथ, जो कि आपको पूरा नॉलेज अभी ओवरऑल अगर आप मैं बताऊं, मैं आपसे काफी सारी बातें भी अभी करने वाली हूँ, बट यस डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो स्टॉक मार्केट में अर्न करना है तो ये तो मैंने बहुत, मतलब मैं बोल रही हूँ ना आपको कि मेरे पास, मैं लास्ट 50 मिनट से आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि यस डेफिनेटली अगर स्टॉक मार्केट में आपको काम करना है, अगर आपको स्टॉक मार्केट में अर्निंग करना है, तो बहुत सिंपल सिंपल चीजें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की कि ऐसे करने से आपको बेनिफिट हो सकता है ना। एक बार हम लोग वापस रिवाइज करते हैं, फिर आपके क्वेश्चन आंसर्स में लूंगी, आपके क्वेश्चन तब तक रेडी रखिए। जुआ नहीं है, डेफिनेटली सट्टा बाजार नहीं है, ये बहुत सोच समझ के करोगे तो स्टॉक मार्केट से पैसा आएगा। टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने देखा, कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें बेनिफिट हो सकता है। स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा बेनिफिट 4 साल में रिटर्न डबल, और गोल्ड में 8 साल में रिटर्न डबल, म्यूचुअल फंड, IPO, इक्विटी, डे इंट्राडे, फ्यूचर ऑप्शंस, सेंसेक्स हमने देखा कि 2011 में 19
2020 था तो 2023 में 60,000 है, तो इतनी ग्रोथ हमने स्टॉक मार्केट में देखी है। आपका रिस्क एपेटाइट, आपका नॉलेज और आपका कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। ये स्लाइड तो डेफिनेटली आप लोग सेव करके रख सकते हो कि आपको आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, आपको नॉलेज कितना है और यस आपको प्रॉफिट कितना चाहिए। ये आप डेफिनेटली सेव करके रख सकते हो क्योंकि एक्स्ट्रा इनकम हर किसी को चाहिए। मैं कभी भी डिनाई नहीं करती हूँ, एक्स्ट्रा इनकम सभी को चाहिए। फ्री टिप्स से हो सकता है तो थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश मैं खुद करती हूँ। आज मैंने अपने सारे सीक्रेट्स आप लोगों के साथ शेयर किए, तो फ्री टिप्स से डेफिनेटली दूर रहने की कोशिश करिए। कंपनी के बिजनेस साइकिल देख लीजिए, मतलब कंपनी की हिस्ट्री देख लीजिए। एटलीस्ट 9 to 11 ईयर ओल्ड कंपनीज हैं तो इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए। GDP ग्रोथ से कौन सी कंपनी ज्यादा रिटर्न दे रही है उस कंपनी पर ध्यान देना स्टॉक मार्केट में जरूरी रहेगा। कंपनी के फ्रॉड से कैसे बचे, जो अननेसेसरी कंपनी बढ़ रही है उससे दूर रहिए या फिर उसकी पूरी स्टडी करके फिर एंटर करिए। उसके बाद में डेफिनेटली अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो छोटे वाले स्टॉक में मत करिए, स्मॉल कैप से मैं हमेशा दूर रहती हूँ। आपको मिड कैप एंड लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेटर रहेगा। रिलेटिव पार्टी ट्रांजेक्शन्स भी मैंने आज समझाया, और डेबिट फ्री कंपनीज में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको भी ट्रस्ट नहीं आएगा और आपका भी प्रॉफिट बनेगा। वेरी सिंपल, डेबिट फ्री कंपनीज के बारे में मैंने आपको बताया, कौन सी कंपनीज डूब चुकी है उसके बारे में बताया, और आज ही नॉलेज लीजिए और फाइनेंशियल फ्रीडम पाइए शिल्पी बागपे के साथ। यस, बहुत बोल चुकी हूँ मैं, अभी आप लोगों के सवाल मैं लूंगी, एक एक करके आप लोग मुझे चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, और आपको वेबिनार कैसे लगा ये भी आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो। न्यूमरोलॉजी के लिए यस डेफिनेटली सर, आज एज पर योर बर्थ डेट हम लोग डेफिनेटली आपको गाइड करेंगे। आप लोगों के कुछ सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। पॉकेट किट, ओके, ये रंगमंच के तरफ से वेबिनार है तो मैं यहाँ पे अपनी पर्सनल मार्केटिंग नहीं कर सकती हूँ, बट यस डेफिनेटली पॉकेट किट स्टेबिलिटी के लिए होता है। पॉकेट किट के बारे में अगर आप लोग मुझे पूछ रहे हो, मैंने आपको स्टॉक मार्केट के वेबिनार के लिए पूछने के लिए बोला है, बट आप लोग मुझे पॉकेट किट के बारे में ही पूछ रहे हो, तो यस डेफिनेटली पॉकेट किट जो होता है वो कैश फ्लो इंक्रीज करने के लिए हेल्प करता है। स्टॉक मार्केट में हमें कैश फ्लो की ही जरूरत होती है, तो डेफिनेटली कैश फ्लो इंक्रीज करने के लिए पॉकेट किट हमें हेल्प करता है। विच ब्रोकर चार्ज मिनिमम ब्रोकरेज, ब्रोकरेज के चार्जेस जो होते हैं ना वो डिपेंड करते हैं कि हम लोग कैसे उसे बताया आपको कि ब्रोकर अपने चार्जेस खुद डिसाइड करते हैं। हर एक ब्रोकर के मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अलग होती है। कोई बोलेगा कि मैं आपको वन साइड ब्रोकरेज चार्ज कर रहा हूँ, बट वहां पे वन साइड हो सकता है ज्यादा होगा। कोई बोलेगा मैं आपको ब्रोकरेज कम चार्ज कर रहा हूँ, तो वो बोथ साइड होगा। तो यस डेफिनेटली यहाँ पे होता है कि यहाँ पे होता है डेफिनेटली कि आप डिपेंड करता है, थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए कि कौन सा ब्रोकर कम ले रहा है, कौन सा ब्रोकर ज्यादा ले रहा है, उसके बाद में यहाँ पे आप ये कर सकते हो, ब्रोकर चॉइस कर सकते हो। न्यूज़पेपर के लिए डेफिनेटली आप यहाँ पे ले सकते हो बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर, वन ऑफ माय फेवरेट, जिस जो मैं क्लासेस में पढ़ाती हूँ, और इकोनॉमिक टाइम्स जो है वो भी। आप लोग मुझे स्टॉक मार्केट रिलेटेड प्लीज सवाल पूछोगे तो ज्यादा बेटर होगा। गुरु के लिए हिंदी
इंग्लिश गुजराती एंड यस मराठी में जल्दी मैं नेक्स्ट मंथ तक आपको हैंड ओवर करती हूँ. यस डेफिनेटली 9422705755 मैं मैसेज बॉक्स में अपना नंबर दे देती हूँ 4227057555. आई होप आप लोगों को ये सेमिनार बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग अभी स्टॉक मार्केट में आने से नहीं डरोगे. इसके बाद में भी अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग लॉस कवर्ड इंक्लूड कर सकते हो, बट ये वाली स्ट्रैटेजी जैसे कि वन ऑफ माय फेवरेट स्ट्रैटेजी है. रिस्क एपेटाइट मेरा बहुत कम है, मैं रिस्क नहीं लेती हूँ, बट रिस्क एपेटाइट मेरा कम है तो मैंने स्ट्रैटेजीज क्रिएट की है. जैसे जीरो लॉस स्ट्रैटेजी है, मनी मैग्नेट स्ट्रैटेजी है, रैट स्ट्रैटेजी है, 58 वीक स्ट्रैटेजी है, न्यूज़पेपर स्ट्रैटेजी है, टेक्निकल एंड फंडामेंटल स्ट्रैटेजीज है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है, पेयर स्ट्रैटेजी है. देन अगर आप मुझे पूछोगे इतनी सारी स्ट्रैटेजीज जब मैं यूज करती हूँ तो यस डेफिनेटली लॉस के चांसेस जीरो हो जाते हैं क्योंकि काम ही हम लोग जीरो लॉस स्ट्रैटेजीज में करते हैं. सो थैंक यू एनबीटी ग्रुप एंड थैंक यू ऑल कि आज आप लोगों ने ज्वाइन किया है एंड आज आप लोगों ने नॉलेज भी लेने की कोशिश की है और स्टॉक मार्केट में फाइनेंशियल फ्रीडम पाने की कोशिश की है. सो थैंक यू सो मच. एक्चुअली नथिंग की बिच न्यूज़पेपर इज जेन्युइन. काफी सारे फाइनेंशियल न्यूज़पेपर होते हैं वो आप लोग पढ़ सकते हो. नांदेड़ जल्दी आते हैं. थैंक यू. मैम आप मुझे मैसेज करिए, मैंने आपको अभी मैसेज नंबर दिया है. वेबसाइट डेफिनेटली यस. sheetalbakhre.co.in अभी फिलहाल ऑनलाइन क्लासेस ही बेस्ट है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपको लाइव मार्केट में लेके जाती हूँ. ऑफलाइन क्लासेस आपको औरंगाबाद आना पड़ेगा. अभी फिलहाल ऑफलाइन क्लासेस की कोई प्लानिंग नहीं है, बट ऑनलाइन सबसे बेस्ट है. और सबसे बेस्ट मेरी क्लासेस की ये खासियत है, आप जितनी बार चाहिए उतनी बार मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो. सो जितनी बार चाहिए आप क्लासेस ऑनलाइन है आपके टाइम के हिसाब से, सुबह 7 से 9 शाम में 7 से 9, 9 से 11 भी हम लोग जो जॉब वाले हैं जो जल्दी घर नहीं पहुंच सकते उनके लिए हमने रखी है. तो यस डेफिनेटली आप लोग क्लासेस ऑनलाइन ज्यादा बेटर है. हमेशा मुझे पूछा जाता है ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन ज्यादा बेटर है, बट वो समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम लगता है व्हाई ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बेस्ट. तो यस ऑनलाइन क्लासेस ऑलवेज बेस्ट. थैंक यू सो मच शीतल. आई थिंक everyone's queries is now answered, so let's wind up the sessions. Yes, thank you so much NBT group again.